हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर ऋतु लोखंडे और आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी पीजी हेल्दी नो मैदा पिज्ज़ा। यस यू हैड इट राइट, हम उसमें कोई मैदा नहीं डालेंगे, बहुत इजी है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही प्रोटीन रिच पिज़्ज़ा है ये और कोई भी खा सकते हैं, बच्चे बूढ़े जवान कोई भी खा सकते हैं, इवन डायबिटिक पेशेंट्स भी ये पिज़्ज़ा खा सकते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट है ये पिज़्ज़ा, तो आइए देखते हैं कैसे बनाना है मूंग दाल का पिज़्ज़ा। चलिए, तो ये मूंग दाल नो मैदा पिज़्ज़ा बेस के लिए मैंने सबसे पहले लिया एक कटोरी मूंग दाल, जिसको मैंने दो घंटे पहले भिगो के रखा था, वो इतना फूल जाता है दो घंटे में। ये एक कटोरी मूंग दाल को मैंने भिगोया था एक्सेस पानी में और वो इतना फूल गया है, सो माइंड इट, उस हिसाब से क्वांटिटी आप एडजस्ट कीजिए। इसका हम बेस बनाएंगे, इसके बेस में थोड़ा सा नमक, एक टीस्पून बेकिंग सोडा और थोड़े से अपने मसाले ओरिगैनो चिली फ्लेक्स वगैरह डाल देंगे और इसका बेस बना लेंगे। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसका सबसे पहले इसमें रफली आधा कप जितना पानी ऐड कर देंगे, एक टीस्पून नमक, एक टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर, इसको स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। मूंग दाल चीले के लिए हमें बैटर लगता है, वैसी कंसिस्टेंसी चाहिए। और जब तक ये बैटर रेस्ट हो रहा है तब तक हम इसकी टॉपिंग्स बना लेंगे। एक पैन में थोड़ा ऑयल डाल देंगे, आपके चॉइस के वेजिटेबल्स आप डाल सकते हैं। मैंने अनियन, ब्राउन मशरूम्स, स्वीट कॉर्न और पनीर क्रश करके लिया है, आप चाहें तो जो भी ले सकते हैं, आप क्यूब्स भी डाल सकते हैं पनीर के, बट सिंस अपना बेस डेलिकेट है इसलिए मैंने उसे पनीर को ये करके लिया है, ग्रेट करके लिया है। थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर लेंगे, ये मैंने 4-5 लहसुन क्लोव्स उसको ग्रेट करके लिया है, आप चाहें तो इसे ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। थोड़ा सा सॉटे होने के बाद इसमें अनियन ऐड कर देंगे, मैंने एक अनियन काट के रखा है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, एक टीस्पून जितना ओरिगैनो, फ्रेशली ग्राउंडेड पार्सली, एक टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, इनको हमें पार्शियली सॉटे करना है क्योंकि वो उसका टेस्ट थोड़ा सा कच्चा नहीं आना चाहिए बाद में, क्योंकि वापस से पिज्ज़ा के साथ पकेंगे तो इन्हें हम पार्शियली टॉस करेंगे। अभी इसमें स्वीट कॉर्न ऐड कर देंगे, अभी स्टेज में मशरूम ऐड कर देंगे, आप चाहें तो इसमें बेल पेपर्स, बेबी कॉर्न, जो आपका मन करे आप ऐड कर सकते हैं। अब इसमें पनीर डाल देंगे, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा, आधा पके जैसा लगेगा उस स्टेज पे। इसमें हम पिज़्ज़ा सॉस डाल देंगे, और पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो घबराइए नहीं, टोमेटो केचप में आप थोड़ा सा ओरिगैनो, अनियंस और पार्सली डाल के भी पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हैं, मैंने आज वैसे ही बनाया है। एक्चुअली बनाने के बाद मुझे याद आया कि ये भी हम वीडियो में ही ऐड कर देते हैं, पर मैं बना चुकी थी तब तक। और आपको अगर ये पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसका वीडियो नेक्स्ट डाल दूँगी। 1/2 टीस्पून जितना रेड चिली पाउडर, और अभी पिज़्ज़ा सॉस डाल देंगे इसके ऊपर। लगभग 2 टेबलस्पून जितना पिज़्ज़ा सॉस लगेगा।
और स्टेज पे इसमें डाल देंगे खूब सारा चीज। मोज़रेला चीज़ डाला है पिज़्ज़ा वाला। इसका चीज़ अभी मेल्ट हो गया है और ये अपने टॉपिंग्स अभी रेडी हैं, और पिज़्ज़ा बेस के लिए भी हमने उसको रेस्टिंग दे दिया है 10 मिनट, तो अभी उसे असेंबल कर लेंगे। एक पैन ले लेंगे फ्लैट बेस, उसमें हम ऑयल ड्रिजल कर देंगे। रेस्ट होने के बाद इसका ये बहुत बढ़िया सा डो बन गया है। इसको बहुत पतला नहीं करेंगे, बहुत गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि पकना भी चाहिए। तो अभी इसका हम पिज़्ज़ा पेस बना लेंगे। थोड़ा सा थिक बनाएंगे इसको, पिज़्ज़ा बेस लगना चाहिए वो। इसको भी थोड़ी देर ढक के रख देंगे पकने के लिए, रफली 2 मिनट के लिए। और बाय द वे, आपने मेरा रवा पिज़्ज़ा चेक किया क्या? नहीं किया ना, आई एम श्योर आपने नहीं देखा है, तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिए। मैं उसकी लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अभी इस पे हम टॉपिंग्स ऐड कर देंगे। और डाल देंगे खूब सारा चीज। थोड़ा सा ढक देंगे 2 मिनट के लिए, चीज पिघलने तक इसको पकाएंगे, देन रेडी टू ईट। आहा, तो ये अपना चीजी नो मैदा हेल्दी पिज्जा रेडी है। और अभी ये मूंग दाल पिज्जा को हम सर्व कर लेंगे। थोड़ा सा इस पर रेड चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे और ओरिगैनो, एंड एंजॉय। आपके डिज़ायर्ड शेप्स में कट कीजिए एंड एंजॉय। और आपको ये इजी पीजी हेल्दी नो मैदा पिज़्ज़ा कैसे लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आप मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर ऑल द लव।